में डूबने से एक विधवा महिला की मौत हो गई। मामला मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर अफजलपुर गांव का है। दरअसल परिजनों के अनुसार मृतक महिला के साथ में पड़ोसी युवकों ने मारपीट करके निर्वस्त कर दिया था, जिससे आहत होकर विधवा महिला ने नसीरपुर के गंग नहर में छलांग लगा दी, जिससे पीड़ित महिला की मौत हो गई। गंग नहर से शव को निकालने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं महिला अपने पीछे दो बच्चों को छोड़ गई। लगभग एक साल पहले मृतक महिला के पति की भी मौत हो गई थी। वहीं परिजनों का आरोप है कि प्रीति नाम की इस महिला को पड़ोसी युवकों द्वारा बुरी तरह पीटा गया। पीटने के बाद महिला को निवस्त्र भी कर दिया गया, जिससे महिला ने आहत होकर मौत को गले लगा लिया। वहीं परिजनों ने मंगलौर कोतवाली में दोषियों के खिलाफ तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस अधीक्षक एस के सिंह ने बताया कि इस तरह का मामला संज्ञान में आया है, परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि मौत से पहले मृतक महिला के साथ कोई भी वाद विवाद हुआ है तो उसकी भी सभी पहलुओं से जांच की जाएगी। जांच के उपरांत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल मंगलौर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के नहर में कूदने की घटना प्रकाश में आई थी। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी एकत्र की जा रही है। पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कुछ किसी के साथ विवाद होने की स्थिति सुनने में आई है, जिसकी पुष्टि कराई जा रही है। तहरीर इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो भी उनके द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर सभी संभावित पहलुओं से जाँच कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में परिजनों के द्वारा क्या कहा गया है ये बात अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी तहरीर में उनके द्वारा तथ्य अंकित किए जाएंगे उन तथ्यों की समग्र रूपेण जांच होगी। और चूंकि ये घटना कई लोगों के द्वारा देखी गई है तो उन लोगों के द्वारा और उन्होंने ही आम पब्लिक के लोगों के द्वारा ही उक्त महिला को निकाला गया था, तो यदि निकाले जाने के से पूर्व या उसके दौरान कोई चीज़ हुई है तो वो उन लोगों से जानकारी कर आगे विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। मैं घर जा रही थी वहाँ से अपनी भाणजी का, तो क्या नाम उन लड़के ना पता नहीं उसकी तरफ को थूक क्या नहीं थूक क्या उन गाड़ी दी, तो मनसा लाया सब उन कह रहा मुझे गाड़ी दे रही वा, तो मैं ले गाड़ी दे रही तो भाई तू गाड़ी दे देता ठीक है। और उसकी यहाँ शिव मंदिर पर लाकर उसकी मार पिटाई करी, और उसका भाई भी खड़ा था वहीं से ही, मतलब छितवाण वाले और छेतन वाला भी था। उसके बाप ने आकर कहा क्या नाम ऐसा गुप्ती मार बढ़िया पियाते इसे इतना मरती ना इतना ऐसा बढ़िया वो करते। अब न बताओ उसके कपड़े कुपड़े फाड़ रखे थे, वह बेपर्दा कर दी तो अच्छी बात है। टांग पटांग धर का पड़न लग रहा था उसकी, और शिव मंदिर के उसमें रेनिंग सिम सिर महराज का धर का से करी थी मंदिर का और मैंने तेरे पे उस करी थी। किसे मम्मी को तुम्हारी फिर नारमल बन गई थी।